बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेक पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद करता हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैर से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इजी पैसा के वीजा डेबिट कार्ड के बारे में। आपको इजी पैसा ऐप्स अगर आप चलाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, या आपने कहीं इसका फोटो देखा होगा। तो इजी पैसा का जो वीजा डेबिट कार्ड है, इसको लेकर काफ़ी लोग एक गलती भी करने वाले हैं और काफ़ी लोग ऑर्डर भी करना चाहते हैं। लेकिन ऑर्डर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस वीज़ा कार्ड को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जिस मकसद के लिए इसको ऑर्डर कर रहे हैं, हो सकता है कि वो आपका मकसद पूरा ही ना हो। और वो मकसद क्या होता है, जो भी वीज़ा कार्ड होता है वो हम इंटरनेशनल पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर गूगल पे यूज़ कर सकते हैं, किसी वेबसाइट पे जाकर अगर कुछ डॉलर में बिक रही है तो वो हम खरीद सकते हैं वीज़ा कार्ड के जरिए। या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो डॉलर में होते हैं, यानी कि PKR पाकिस्तानी रकम में नहीं होते। आपको आसान लफ्जों में अमेजोन हो गया, अलीबाबा की एप्लीकेशन हो गई, जहाँ से हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं डॉलर में, तो उनके लिए हम जो है वीज़ा कार्ड यूज़ करते हैं। तो उसके लिए वीज़ा कार्ड को यूज़ किया जाता है और काफ़ी लोग इसी मकसद के लिए इजी पैसा का वीज़ा कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इजी पैसा का जो वीज़ा कार्ड है, ये इंटरनेशनल पेमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो बेशक करें, लेकिन अगर आप इस मकसद के लिए ऑर्डर कर रहे हैं कि भाई हम इसको इंटरनेशनल पेमेंट के लिए यूज़ करेंगे, तो इसकी फ़ीस है 1000 रुपये। तो मैं आपको कहूँ कि वो 1000 रुपये आप ना लगें, ठीक है। क्योंकि ये इंटरनेशनल पेमेंट के लिए यूज़ नहीं होगा, ये नॉर्मल पाकिस्तानी पेमेंट के लिए यूज़ होगा। जैसे कि दराज ऐप हो गई, वहाँ से आप कर सकते हैं, वहाँ से तो हम वैसे भी कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी वेबसाइट या ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर कोई भी चीज़ PKR में मिलती है, पाकिस्तानी पैसों में मिलती है, डॉलर में नहीं मिलती, वहाँ पर ये वीज़ा कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं और पाकिस्तान किसी भी ATM पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल पेमेंट के लिए आप इस वीज़ा कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इस मकसद के लिए ये कार्ड बाय कर रहे हैं, इस कार्ड की फ़ीस भी 1000 रुपये, तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस कार्ड को बाय ना करें, ठीक है। तो मेरा मकसद था आप दोस्तों को बताना, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी लोग ये गलती करेंगे। तो लिहाजा ये नया कार्ड यदि पैसा की जनाब से लॉन्च हो रहा है, तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोग ना सोच रहे हैं कि भाई वीज़ा कार्ड है तो वीज़ा कार्ड हम यूज़ कर सकेंगे इंटरनेशनल पेमेंट के लिए, तो भाई ये इंटरनेशनल पेमेंट के लिए यूज़ नहीं होगा। वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।